हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 29। ये हमारा बिलोंग करेगा जब हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का। जब भी आपको क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस गिवन हो पासबुक का, तो लॉजिक क्या लगाना है आपको, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना। कहने का मतलब यह है, अगर ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको पता लगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये पता चले कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से हमारे कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 29 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या गिवन है, आपको 8500 रुपीज गिवन है, जो कि क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। अब इस तरीके का फॉर्मेट होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। हम 31 दिसंबर 2014 की बना रहे हैं, तो ये लिखना आपको कंपलसरी है। अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक, जो कि 8500। तो सेम चीज आप मेंशन कीजिएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और 8500 को प्लस आइटम में मेंशन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है चेक फॉर ₹5100 फॉर इश्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, बट आउट ऑफ दिस चेक फॉर ₹1200 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड वन चेक फॉर ₹200 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने कितने को चेक इशू किया था ₹5100 का, जिसमें से ₹1200 तो जनवरी मंथ में शो हो रहे हैं और ₹200 तो शो ही नहीं हो रहे हैं बैंक की पासबुक में कि वो डेबिट हुआ है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, जब हमने किसी को चेक इशू किया ना, तो ₹5100 हमने तभी अपने कैश बुक में माइनस कर दिया होंगे, बट पासबुक में तो उतना अमाउंट निकला ही नहीं। पासबुक में से दिसंबर मंथ में तो ये ₹1200 और ₹200 का अमाउंट डिडक्ट ही नहीं हुआ, जिस रीजन से पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लेके आना है, तो आपको क्या करना होगा, इस 800 और ₹200 के वाले अमाउंट को माइनस करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो 1200 और ₹200 का अमाउंट, जो ₹1200 वाला अमाउंट है और जो ₹200 वाला अमाउंट है, इसको आपको माइनस आइटम में शो करना होगा, क्योंकि यही अमाउंट है जो कि जनवरी मंथ में शो कर रहा है और एक तो शो ही नहीं कर रहा। तो ये माइनस करेंगे आप, तो माइनस आइटम में ₹1400 मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है चेक एंड कैश अमाउंटिंग ₹2,4800 वर डिपॉजिट इन बैंक ड्यूरिंग दिसंबर, बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर ₹3,3800 ओनली। तो देखिए, ₹4,800 का कैश और चेक मिला के हमने अमाउंट बैंक में जमा कराया था, पर जो बैंक में शो कर रहा है ना क्रेडिट, वो ₹3,800 ही शो कर रहे हैं, मतलब कि ₹200 बैंक में अभी भी शो नहीं कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब हमने चेक जमा कराया बैंक में, तो कैश बुक में हमने बैलेंस को इंक्रीज कर दिया होगा 4800 से, पर पासबुक में तो खाली ₹3,800 से इंक्रीज दिखा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लाना है आपको, तो आपको डिफरेंस जो है ना ₹1000 का जो डिफरेंस है, उसको आपको प्लस करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, तो 4800 माइनस 3800 करेंगे तो ₹1000 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिट 800 इनटू बैंक डायरेक्टली। अब कोई कस्टमर था जिसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ₹800 जमा करा दिए, तो इसका इम्पैक्ट हुआ कि पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश बुक का बैलेंस कम है, तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक पे लाना है आपको, तो ₹800 को आपको माइनस आइटम में शो करना होगा। तो आप मेंशन कीजिएगा अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर और ₹800 को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद हमें गिवन है द बैंक क्रेडिटेड द मर्चेंट ₹4,200 एज इंटरेस्ट एंड हैज डेबिट हिम ₹30 एज बैंक चार्जेस फॉर विच देयर आर नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन कैश बुक। यहाँ पे दो बातें हैं, पहला तो ₹200 का इंटरेस्ट मिला है, मतलब कि पासबुक का बैलेंस क्रेडिट हो गया होगा, बढ़ गया होगा ₹200 से, पर कैश बुक में हमने ऐसा कुछ करा नहीं, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक पे लाना है, तो ₹200 को माइनस करना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक लिख के ₹200 को माइनस आइटम में शो करना होगा। इसके बाद एक और बात, सेम ही ट्रांजेक्शन में कह रखी है कि ₹30 बैंक चार्जेस भी लगाए हैं। अब जब बैंक चार्जेस लगाए हैं बैंक ने, तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बुक में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक पे ले जाने के लिए ₹30 को आपको प्लस करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बैंक चार्जेस और ₹30 को प्लस आइटम में शो कर दीजिए। अब आपको टोटल करना है, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी, तो यहाँ पे हमारे प्लस आइटम ज्यादा है। टोटल करेंगे प्लस आइटम का, तो ये आएगा ₹9,530। जब भी प्लस आइटम ज्यादा हो माइनस आइटम से और हमारा केस हो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये हमारा जो कैलकुलेट होता है वो होता है डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक। जब आप माइनस करेंगे 1400, 800 और 200 को 9530 में से, तो ये आपका पास माइनस करके आएगा ₹7,130। यहाँ पे हमारी प्लस आइटम और माइनस आइटम क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।